बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने एक टेबल में मौजूद डाटा को इंसर्ट करना, डिलीट करना, अपडेट करना और साथ के साथ फील्ड्स के भी ऊपर मॉडिफिकेशन को अप्लाई करना सीखा था। आज के लेक्चर में हम एमएस एक्सेस के एक बहुत ही अहम फीचर फाइंड एंड रिप्लेस डाटा की डिटेल्स आपसे शेयर करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आइए फिर अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। दोस्तों, फाइंड एंड रिप्लेस से मुराद ये है कि जब कभी भी हम एक टेबल में मौजूद किसी भी डेटा को फाइंड करवाना चाहते हैं, सर्च करवाना चाहते हैं, ताकि हम उस डेटा को किसी और डेटा से तब्दील कर सकें, तो उसके लिए एमएस एक्सेस हमें जो फीचर प्रोवाइड करता है वो है फाइंड एंड रिप्लेस का। तो आमतौर पर ऐसा होता है ना कि किसी भी कंपनी का एक एम्प्लॉय जाता है और उस एम्प्लॉय की जगह कोई दूसरा एम्प्लॉय आ जाता है, तो जिसकी वजह से एक कंपनी के पास एक ऑप्शन तो ये है कि ये उस पुराने वाले एम्प्लॉय का तमाम डेटा डिलीट करे और फिर उस नए एम्प्लॉय का एक नए सिरे से डाटा जो है वो इंसर्ट करें, जिसमें ना सिर्फ कंपनी का काफी सारा वक्त भी जाया होगा बल्कि डेटाबेस को डेटाबेस के अंदर पहले उस एम्प्लॉय का डाटा सर्च करना पड़ेगा, फिर उस डाटा को डिलीट करना पड़ेगा, फिर नए एम्प्लॉयज का डाटा जो है वो नए सिरे से ऐड करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, इस फाइंड और रिप्लेस के फीचर के थ्रू आप सिंपल क्या करेंगे, उस पुराने वाले एम्प्लॉय का डाटा फाइंड करेंगे, सर्च करेंगे, ढूंढेंगे, और जैसे ही एमएस एक्सेस आपको उस पुराने एम्प्लॉय का डाटा सर्च करके देगा, आप उसको रिप्लेस कर देंगे, तब्दील कर देंगे अपने उस नए एम्प्लॉय के डाटा से। किस तरह से, आइए हम जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास उस टेबल का ओपन होना जरूरी है जिसके अंदर मौजूद डाटा को आप फाइंड और रिप्लेस करवाना चाहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मिसाल के तौर पर हमारे पास एक स्टूडेंट नेम है अदनान, यानी ये स्टूडेंट जो है वो जा चुका है और इसकी जगह जो है वो नया स्टूडेंट आ चुका है अली। तो अब हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, फाइंड करवाएंगे। दोस्तों, एमएस एक्सेस के अंदर आप सबसे पहले अपने होम टैब पे जाएंगे। होम टैब के अंदर आपको एक ग्रुप मिलेगा फाइंड का, तो यहाँ पर आप गौर करें तो इस ग्रुप के अंदर, यानी इस फाइंड के ग्रुप के अंदर आपको दो मेन ऑप्शन नजर आ रहे हैं, फाइंड और रिप्लेस का। अगर तो आप सिंपली किसी भी रिकॉर्ड को सिर्फ फाइंड करवाना चाहते हैं, किसी भी फील्ड को आप फाइंड करवाना चाहते हैं, तो आप सिर्फ फाइंड पर क्लिक करेंगे। और फाइंड पर क्लिक करने से क्या होगा, ये सिर्फ आपसे पूछेगा कि आप किस रिकॉर्ड को फाइंड करवाना चाहते हैं। आया आप किसी स्टूडेंट की आईडी को फाइंड करवाना चाहते हैं, आप स्टूडेंट नेम को फाइंड करवाना चाहते हैं, आप डेट को फाइंड करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पर अब क्योंकि मैं अदनान को फाइंड करवाना चाहती हूँ स्टूडेंट नेम को, तो यहाँ पर मैं उसका नेम दूंगी ADNAN। और जैसे ही मैं इसका नेम दूंगी, यहाँ पर नीचे कुछ और ऑप्शन नजर आ रहे हैं लुक इन का। लुक इन का ऑप्शन ये बता रहा है कि आप इस वक्त कहाँ मौजूद है। उसके बाद मैच का ऑप्शन जो है ये पूछ रहा है कि आप क्या अपनी होल फील्ड को, यानी इस पूरी फील्ड को जो है वो मैच करवाना चाहते हैं इस सिंपल इस एक पर्टिकुलर वर्ड से। और सर्च से मुराद ये है कि यहाँ पर मैंने ऑल पर क्लिक किया है, तो ये पूछ रहा है कि क्या आप ऊपर से सर्च करवाना चाहते हैं, नीचे की तरफ से यानी डाउन की तरफ से सर्च करवाना चाहते हैं, पूरे टेबल में सर्च करवाना चाहते हैं। तो ये मैंने ऑल पर क्लिक कर दिया। अब जैसे ही मैं फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करूंगी, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने इस अदनान को जो है वो हाईलाइट कर दिया है, यानी यहाँ पर इसने इस अदनान के वर्ड को फाइंड कर लिया है। अगर दोस्तों आप आईडी के थ्रू फाइंड करवाना चाहते हैं, तो यहाँ मैंने आईडी लिख दी है। जैसे ही मैं फाइंड नेक्स्ट करूंगी, तो आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट आईडी जो है ये हाईलाइटेड हो गई है। यानी जो भी डाटा आप यहाँ पर लिखेंगे, सर्च करवाएंगे, ये उसको फाइंड करके हाईलाइट करके आपको दे देगा। लेकिन दोस्तों, ये अमल तो सिर्फ और सिर्फ किसी भी पर्टिकुलर डाटा को फाइंड करवाने के लिए है। लेकिन अगर आप उस पर्टिकुलर डाटा को किसी और डाटा से रिप्लेस करवाना चाहते हैं, तो फिर आप इस फाइंड के ऑप्शन पर क्लिक नहीं करेंगे, बल्कि आप इस रिप्लेस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आपको सबसे पहले एमएस एक्सेस को बताना है कि आप किस डाटा को रिप्लेस करवाना चाहते हैं, और एमएस एक्सेस क्या करेगा, सबसे पहले उस डाटा को फाइंड करेगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है फाइंड व्हाट में कि व्हाट यू वांट टू फाइंड टू रिप्लेस द डाटा, यानी किस डाटा को आप फाइंड करवाना चाहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने लिख दिया अदनान, और मैं इसको किससे रिप्लेस करवाना चाहती हूँ, मैं इसको रिप्लेस करवाऊंगी अली से। यहाँ मैंने लिख दिया अली। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि क्या आप अपने करंट डॉक्यूमेंट के अंदर इसको तलाश करना चाहते हैं। जी हाँ, मैं अपने इस करंट डॉक्यूमेंट के अंदर इसको तलाश करना चाहती हूँ। आप किसी होल्ड फील्ड के अंदर करवाना चाहते हैं, मतलब एक पूरी फील्ड के अंदर इसको सर्च करवाना चाहते हैं, या फिर किसी एक पार्ट ऑफ द फील्ड के अंदर इसको सर्च करवाना चाहते हैं, या इस फील्ड के स्टार्ट से इसको सर्च करवाना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है होल्ड फील्ड। और सर्च के अंदर क्या होगा कि ये इस पूरे टेबल के अंदर इसको सर्च करेगा। अब जैसे ही दोस्तों मैं फाइंड नेक्स्ट करूंगी, तो ये सिर्फ और सिर्फ इसको फाइंड करेगा। लेकिन अगर मैं रिप्लेस पर क्लिक करूंगी, तो ये इस अदनान को जो है रिप्लेस कर देगा अली से। ये देखिए दोस्तों, पहले आप फाइंड नेक्स्ट करेंगे, जैसे
दोस्तों यहाँ पर एक और बात काबिले और है कि रिप्लेस करने से पहले आपको फाइंड नेक्स्ट करवाना जरूरी है, यानी पहले आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्योंकि जब ये फाइंड करेगा तभी तो ये उसको रिप्लेस कर सकेगा। तो ये हमने फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक किया, फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक किया तो इसने बताया कि यहाँ पर अदनान मौजूद है। अब मैं क्या करूंगी, मैं रिप्लेस पर जैसे ही क्लिक करूंगी तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो अदनान था ये रिप्लेस हो चुका है अली से। इसी तरीके से अब क्योंकि मैंने फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक किया है तो इसने बता दिया कि अब जो नेक्स्ट आपका ये वर्ड है ये इस टेबल में इस जगह पर मौजूद है, जो हाइलाइटेड जगह आपको नजर आ रही है। अगर आप इसको रिप्लेस करवाना चाहते हैं तो आप इसको इस रिप्लेस के बटन पर क्लिक करके यहाँ पर से ये अदनान भी जो है वो रिप्लेस हो चुका है अली से। तो इस तरह से दोस्तों एमएस एक्सेस के थ्रू आप एमएस एक्सेस के इस फीचर के थ्रू आपको पूरे रिकॉर्ड को डिलीट करने की जरूरत नहीं है, दोबारा से नया रिकॉर्ड इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि जिस भी डाटा को आप रिप्लेस करवाना चाहते हैं, किसी दूसरे डाटा से तब्दील करवाना चाहते हैं, तो आप इस फाइंड के ग्रुप में मौजूद फाइंड एंड रिप्लेस के फीचर के थ्रू ये कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे लेक्चर का अख्तिताम हुआ, अगले लेक्चर में हम आपको एमएस एक्सेस के एक और नए फीचर सॉर्ट एंड फिल्टर रिकॉर्ड्स की डिटेल्स आपसे शेयर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।